अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं सैयद मोहम्मद आतिफ अली बुखारी। आज हमारा लेक्चर नंबर 11 है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का। इंशाल्लाह आज जो हम आउटलाइन फॉलो करेंगे इस लेक्चर के लिए वो कुछ इस तरह से है। वो हमारा जो लेक्चर जाएगा वो कुछ इस तरतीब से होगा। पहले हम पीएन जंक्शन को देखेंगे, इसका रिव्यू एक्चुअली हम देखेंगे। हमने लास्ट टाइम लेक्चर में जो क्लास में लेक्चर हुआ था फेस टू फेस, उसमें हमने पीएन जंक्शन को अच्छे तरीके से पढ़ लिया था, उसका थोड़ा सा रिव्यू होगा। फिर हम देखेंगे आइडियल और प्रैक्टिकल डायोड किस किस्म के होते हैं, उनकी करेक्टरिस्टिक कर्व्स में क्या डिफरेंट होता है, हम उनकी उनको देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि वोल्टेज इम्पेयर करेक्टरिस्टिक्स जो कि ये आपको वी आई करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी एन जंक्शन नज़र आ रहा है लिखा हुआ, हम इसको स्टडी करेंगे। फिर हम देखेंगे कि डायोड इक्विवेलेंट सर्किट्स होते क्या हैं, हम इनको सर्किट में यूज़ क्यों करते हैं, हमें इनकी ज़रूरत क्यों पेश आई है। फिर हम देखेंगे कि डिफरेंट मॉडल्स ऑफ इक्विवेलेंट सर्किट्स हैं, वो हम स्टडी करेंगे ड्यूरिंग दिस लेक्चर। होप सो आप सब गुड हैं, अच्छी सेहत में, अल्लाह आप सबको सेहत दे। इंशाल्लाह हम लेक्चर की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम पीएन जंक्शन डायोड की तरफ जाते हैं। हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि पीएन जंक्शन कैसे फॉर्म होता है। पीएन जंक्शन में एक पी साइड है और एक एन साइड है। जब हम उनको फिजिबल कंडीशंस में लाकर एक जंक्शन फॉर्म करते हैं और जो जॉइनिंग पॉइंट ऑफ द जंक्शन है, जो जॉइनिंग पॉइंट है, हम उसको जंक्शन कहते हैं। और हमारे पास इस तरह एक पी साइड डेवलप होती है, एक एन साइड डेवलप होती है, जिनमें पी साइड में मेजॉरिटी कैरियर्स जो हैं वो हमारे होल्स हैं ड्यू टू ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटीज, और जो हमारे पास एन साइड है उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं मेजॉरिटी कैरियर्स। और अगर हम माइनॉरिटी कैरियर्स की बात करें तो पी साइड में माइनॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं, जबकि एन साइड में माइनॉरिटी कैरियर्स की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास होल्स हैं। इसी तरह हमने फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस को डिस्कस किया था। फॉरवर्ड बायस में हमारे पास, हमें पता है कि जब हम फॉरवर्ड बायस करते हैं जंक्शन को, मीन्स अगर हम ट्रू कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं किसी भी डायोड को, ये आपको सिंबल ऑफ डायोड नज़र आ रहा होगा जिसमें एक ट्राई एंगुलर फॉर्म है, एरो हेड है, ये पी साइड कहलाती है, जबकि एक बार आपको नज़र आ रही होगी ये एन साइड कहलाती है। अगर हम पी साइड को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट करेंगे और एन साइड को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास एक ट्रू कनेक्शन बनेगा। उससे क्या होगा, ट्रू कनेक्शन होगा तो हमारे पास फॉरवर्ड बायस होगा जंक्शन। हम यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी और यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास ये एक ट्रू कनेक्शन बनेगा। ट्रू कनेक्शन बनेगा तो फॉरवर्ड बायस होगा जंक्शन, जिसकी वजह से डिप्लीशन विड्थ, जो मैंने आपको डिप्लीशन विड्थ का बताया था, वो कम होगी और हमारे पास एक डायोड में करंट जनरेट होगा, एक करंट फ्लो करेगा और वो एक जेनरस फ्लो ऑफ करंट होगा। इसी तरह अगर हम रिवर्स बायस की बात करें तो हम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी को हम एन साइड के साथ कनेक्ट कर देंगे, मींस हम ट्रू कनेक्शन उसको प्रोवाइड नहीं करेंगे, नेगेटिव साइड को पॉजिटिव से कनेक्ट कर देंगे, जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा। सॉरी, स्टाइलर इज नॉट वर्किंग। पॉजिटिव साइड से कनेक्ट करेंगे और इसी तरह पी साइड को नेगेटिव से, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस कंडीशन में चला जाएगा और हमारे पास वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट जो है वो फ्लो करेगा, हम उसको रिवर्स सैचुरेशन करंट कहेंगे। और वो रिवर्स सैचुरेशन करंट जो होगा ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर्स होगा, ना कि मेजॉरिटी कैरियर्स की वजह से होगा। अब हम देखेंगे कि पीएन, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि हमारे पास जो पीएन जंक्शन है, हम इसको देख सकते हैं, इसको कंपेयर कर सकते हैं एक मैकेनिकल स्विच की तरह,
मैकेनिकल स्विच की सूरत में हम देख सकते हैं, जैसा कि एक मैकेनिकल स्विच वर्क करता है, ऐसे ही पीएन जंक्शन डायोड वर्क करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये एक मैकेनिकल स्विच है, इसकी एक नॉब ये है, एक नॉब आपको ये नज़र आ रही है, इसका एक हैंडल नज़र आ रहा है, ठीक है। जब आप हैंडल को प्रेस करेंगे, प्रेस डाउन करेंगे, तो ये वन स्टेट में चला जाएगा, मीन्स ये फॉरवर्ड बाइस्ड कंडीशन में। अगर हम इक्विवेलेंटली बात करें पीएन जंक्शन की, तो ये फॉरवर्ड बाइस्ड कंडीशन में चला जाएगा। अब फॉरवर्ड बाइस्ड कंडीशन में जाएगा तो क्या होगा, जेनरस फ्लो ऑफ करंट हमारे पास आएगा। इसी तरह इस वक्त जो पिक्चर यहाँ पे मैंने दी हुई है, ये इस वक्त ज़ीरो स्टेट में है, मीन्स देयर इज़ नो करंट फ्लो। अच्छा जी, ये मैकेनिकल स्विच के साथ हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। होप सो आपको समझ आ गया होगा। इसी तरह हम अगर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायोड की बात करें, तो हम सिंबॉलिकली डायोड को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। एरो हेड आपका पी साइड को, जबकि बार जो है एरो हेड के ऊपर, ये एन साइड को रिप्रेजेंट करेगी। अच्छा, अगर हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं, तो हम अगर देखें कि फॉरवर्ड बाइस कंडीशन में जो आपका फॉरवर्ड बाइस्ड कंडीशन में हम क्या करते हैं, पी साइड ऑफ द डायोड को अटैच करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, जबकि एन साइड ऑफ द टर्मिनल को कनेक्ट करते हैं नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, हमारे पास एक डायोड है जिसमें एक अप्लाइड वोल्टेज वी डी दिखाई दिया गया है। ये इसको कई डिफरेंट नोटेशंस में V0 भी लिखा जाता है, VA भी लिख सकते हैं, VD, नोटेशन से आपने घबराना नहीं है। V जब अप्लाइड वोल्टेज की बात होगी, हम उसको VD कह देंगे, और जो करंट इसकी इसमें फ्लो होगा डायोड के अक्रॉस जो करंट फ्लो होगा वो ID होगा। अगर हम इसी बात को कंपेयर करें मैकेनिकल स्विच के साथ, आपको नज़र आ रहा होगा कि मैकेनिकल स्विच जो है उसमें वो क्लोज स्टेट में है, मींस वन स्टेट में है, जैसा कि फॉरवर्ड बाइस कंडीशन है। इसमें अप्लाइड वोल्टेज जो है हमारे पास पॉजिटिव साइड को जो पी के साथ कनेक्ट किया हुआ है, नेगेटिव को एन साइड के साथ कनेक्ट किया हुआ है। इसी तरह हमारे पास ये क्लोज्ड फॉर्म में आ गया, एरो हेड नीचे की तरफ आ रहा है मैकेनिकल स्विच का, आपको यकीनन दिखाई दे रहा होगा। अच्छा, डिफरेंस जो है पीएन जंक्शन डायोड के करंट में और मैकेनिकल जो है स्विच में, डिफरेंस ये है कि डायोड जो है एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो जो है ना वो होने देता है, जबकि मैकेनिकल स्विच में करंट की डायरेक्शन इधर भी हो सकती है। वन सेकेंड, यहाँ से इधर भी हो सकता है करंट फ्लो, यहाँ से इधर भी हो सकता है, ठीक है। मैकेनिकल स्विच में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि करंट जो है बोथ साइड्स पे फ्लो नहीं कर सकता, जबकि डायोड में ये खसूसियत है जिसकी वजह से इसको फोकियत है मैकेनिकल स्विच पे, वो इसी वजह से है कि डायरेक्शन ऑफ करंट को विदाउट एनी मूविंग पार्ट जो है हम करंट को के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम रिवर्स्ड बाइस्ड कंडीशन की बात करें, अगर हम रिवर्स्ड बाइस्ड कंडीशन में जाएं, तो हमें पता है कि रिवर्स बाइस्ड कब होता है। रिवर्स बाइस्ड हमारे पास डायोड रिवर्स बाइस्ड उस वक्त होता है जब हम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी को हम एन साइड से कनेक्ट करें, जैसा कि आपको मैंने बताया है बार आपके एन साइड को रिप्रेजेंट करती है, जबकि जो एरो हेड है वो पी साइड को रिप्रेजेंट करता है, उसको हमने नेगेटिव पोटेंशियल पे रखा है। तो जो अब करंट प्रोड्यूस हुआ है वो आई एस है, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, और उसकी डायरेक्शन भी अपोजिट डायरेक्शन है आई डी से, ठीक है। अगर हम इसी को कंपेयर करें मैकेनिकल स्विच की सूरत में, तो आपको वाजे तौर पे इस डायग्राम में नज़र आ रहा होगा ये वाला एरो हेड ऊपर की डायरेक्शन में है, अपवर्ड डायरेक्शन में है,
और स्विच जो है वो ओपन है, मीन्स देयर इज़ अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस, सो देयर इज़ नो करंट फ्लो. सो मैकेनिकल स्विच ने जो करंट को है ना वो फ्लो होने नहीं दिया, ओपन स्टेट में है. जबकि डायोड की सूरत में ऐसा नहीं हुआ है, उसमें एक जो है करंट फ्लो किया है और वो करंट जो है बहुत ही स्मॉल लेवल का है, ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पेयर्स का है. माइक्रो एम्पेयर्स IS जो है वो ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पेयर्स है. ठीक है, आपको नज़र तो आ रहा होगा क्योंकि माउस से इतना अच्छा लिखा नहीं जा रहा है, इसलिए गुजारा कीजिएगा. तो ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पेयर्स है. और मैंने आपको प्रीवियसली बताया है कि यही करंट जो है माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से है, ना कि मेजॉरिटी कैरियर्स की वजह से. होप सो आपको इतना लेक्चर समझ आ चुका होगा. इंशाल्लाह आगे हम चलेंगे आइडियल और प्रैक्टिकल डायोड की तरफ. आइडियल और प्रैक्टिकल डायोड में क्या फ़र्क है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं.